मैक्लोडगंज के कैंसर के इलाज का क्लिनिक जहां डॉक्टर येशी डोडेन से अपॉइंटमेंट लेने के लिए कभी कभी बड़े बड़े राज्यों के मुख्यमंत्रियों तक को खुद फोन खड़कानी पड़ते थे, ये छोटा सा क्लिनिक अब बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के लिए भी आईना है, जहां लाखों रुपए लेकर भी कैंसर पीड़ितों के लिए बचने की उम्मीद महज न के बराबर होती थी। अब डॉक्टर येशी डोडेन इस दुनिया में नहीं रहे, बावजूद इसके उनके चाहने वालों का उनके निवास स्थान पर तांता लगना शुरू हो चुका है। अगले 3 दिनों तक डोडेन का शव अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा, जिनका शुक्रवार को बौद्ध रीति रिवाजों के मुताबिक ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। मैक्लोडगंज में कैंसर के इलाज का क्लिनिक जहां डॉक्टर येसी डोडेन ने अपॉइंटमेंट लेने के लिए कभी बड़े बड़े राज्यों के मुख्यमंत्रियों तक का खुद फोन खटकाने पड़ते थे, ये छोटा सा क्लिनिक उन बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के लिए भी आईना है, जहां लाखों रुपए लेकर कैंसर पीड़ितों के बचने की उम्मीद महज ना के बराबर होती थी। जबकि डॉक्टर येशी टोनिन के पास पहुंचने वाला हर वो मरीज, चाहे वो किसी भी स्टेज पर क्यों ना हो, उसका इलाज होकर ही रहता था। शायद यही वजह थी कि यहाँ 3-3 महीनों तक अपनी बारी का लोग इंतजार करते थे। यहाँ हॉलीवुड स्टार रिचर्ड गियर से लेकर राज कपूर, आदेश श्रीवास्तव और विदेश की कई नामी हस्तियां भी येसी से ही इलाज करवा चुकी हैं। हालांकि वो इससे पहले दलाई लामा के निजी डॉक्टर थे। दलाई लामा ने 20 साल सेवाएं लेने के बाद उन्हें दूसरे लोगों को भी सेवाएं देने का आग्रह कर खुद से रिटायर कर दिया था। डॉक्टर येशी टोनिन के पड़ोसी दिनेश कुमार की माने तो उनकी निवास के साथ ही उनका घर और होटल है, जहां बड़ी बड़ी हस्तियां आकर रुकती थी। कपूर ने टोनिन की ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से जुड़ा वो भी खुलासा किया, जिसमें जाहिर होता है कि येशी बाक्य मानव समाज की सबसे बड़ी मिसाल थे। यानी उन्होंने जापान की एक कंपनी के सीईओ की उस पेशकश को ठुकरा दिया था, जिसमें उन्हें विशेष चार्टर प्लेन के जरिए जापान आकर उनका इलाज करवाने का आग्रह किया था। स्थानीय लोगों की जुबान पर येशी टोनिन के कई किस्से हैं, जो उनकी महानता का बाकिया बयां करते हैं। शायद यही वजह है कि साल 2018 में भारत सरकार को भी डॉक्टर येशी टोनिन को देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म श्री से सम्मानित करना पड़ा था। आज डॉक्टर येशी टोनिन इस दुनिया में नहीं रहे, बावजूद इसके उनके चाहने वालों का ये उनके निवास स्थान पर तांता लगना शुरू हो गया है। इतना ही नहीं, विदेशों से भी कई लोग आने शुरू हो गए हैं। अगले 3 दिनों तक टोनिन का सब अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया है, जिनका शुक्रवार को बहुत रीति रिवाजों के मुताबिक ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। वैसे खास बीमारी नहीं है, वैसे थोड़ा थोड़ा बीमारी होता तो वो खुद टैकल कर देता था। अब ये अचानक है, इसके उम्र भी आया हुआ है, वैसे उम्र 94 के करीब है, तो अब उसकी बीमारी का अपना खुद संभाल लेता था पहले से। अब ये अचानक जो है अटैक आया तो सांस की, तो उसमें संभाल नहीं गया, तो अचानक उनके साथ इनकी जो मैनेजर और इनकी हेल्पर जो देखभाल करते हैं वो है, लेकिन ये लोग ने कोशिश किया कि इमरजेंसी के लिए हॉस्पिटल ले जाऊं, लेकिन इतना मैं दम तोड़ चुका था, फिर ले के भी कोई मतलब नहीं हुआ, फिर वापस रख दिया। डॉक्टर साहब मेरे ख्याल में 62 में आया है मेरा नॉलेज के थ्रू, तब से जब लामा जी यहाँ आया था चोपड़ा हाउस में बैठा था, उस टाइम डॉक्टर साहब खुद दवाई जड़ी बूटी उठा के बना के खिलाता था लोगों को, और हर बार वो खुद जाता था, खुद झोला लेके खुद मरीज को देखने जाना। उस टाइम इतना फैसिलिटी नहीं होता था, तो वो सारा कुछ अपना हाथ और पाँव से करना पड़ता था, तो उस टाइम डॉक्टर साहब ने ऐसी ऐसी करके आगे का तरक्की करके फिर बाद में इंस्टीट्यूट बना दिया, तो शिक्षा दिया है लोगों को, दवाई भी बनाना सिखाया, सब कुछ किया, जड़ी बूटी का जान पहचान भी करने के लिए मदद किया। ऐसी करके डॉक्टर साहब ने जो अभी नीचे जो मेडिकल कॉलेज है, ये फर्स्ट डॉक्टर साहब ने स्टार्ट किया था, तो बाद में डॉक्टर साहब वहाँ से रिटायर हो गए, उस टाइम डॉक्टर साहब लामा जी का फिजिशियन भी रहता था। कार्यक्रम में वक्त चला, शॉर्ट ब्रेक का ही मिलते हैं ब्रेक के बाद।